सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस देख सकते हो आप लोग, मेरे पास ज़्यादा कॉइन्स नहीं है, 33,000 के कॉइन्स है और मैं अभी कंटिन्यू मैच को, हर मैच को विन करते जाऊंगा। और इस मैच का ये शॉट देखकर आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि कितना तगड़ा गेम प्ले होने वाला है। तो यार आप लोग ये फर्स्ट शॉट देख लो, किस तरह से हमारा इंडायरेक्ट शॉट लगता है, किस तरह से हम लोग हिट करेंगे इस शॉट को, देखो यार लोग। और मैंने इस शॉट को दिखाया भी था आप लोगों को कई बार वीडियोस में, सबसे पहले मैंने ही दिखाया था आप लोगों को। तो यार आप लोग देखो कोई कितना शानदार ये शॉट लगता हुआ। तो अभी इसको ब्रेक टू फिनिश करना है और हमारे पास ज़्यादा कॉइन्स नहीं, अगर छोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग, मेरे पूरे कॉइन्स जो है वो लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण हमको गेम को मिस नहीं करना है, ब्रेक टू फिनिश करना है। तो बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहो और हम लोग हर मैच को विन करते जाएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा गेम प्ले करने में और आप लोगों को भी मज़ा आएगा गेम प्ले देखने में। सो गाइस यहाँ से इस पक को खेलेंगे टॉप लेफ्ट में और कुछ पक रिलीज करने का कोशिश करेंगे, बट रिलीज नहीं हुआ हम लोगों का। उसके बाद ओपोनेंट के फ्रेम में जो ओपोनेंट के फ्रेम में जो पक है उसको खेलेंगे टॉप लेफ्ट में और उससे क्वीन का कनेक्शन रिलीज करने का कोशिश करेंगे, बट रिलीज नहीं हुआ। से क्वीन को लेके कनेक्शन बनाएंगे यहाँ से। सो इजीली ये ब्लैक पक जो है पॉकेट हो चुका है। उसके बाद ओपोनेंट के पक को लेके खेलेंगे यहाँ से और ओपोनेंट पक को ऐसे मारना है ताकि साइड हो जाए ओपोनेंट का पक, ठीक है। तो यार देखो इजीली साइड हो चुका है और इसको भी शानदार से पॉकेट कर लेंगे। तो गाइज यार ये वीडियो, ये मैच आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताओ, ये फिनिशिंग। और चलते हैं अभी सेकंड मैच में जो कि वो भी रिस्की है, आप लोग देख सकते हो 60,000 के कॉइन्स हैं मात्र मेरे पास, ये भी रिस्क है मेरे लिए। और गेम मैंने कनेक्ट किया मैच, तो हमारा मैच कनेक्ट हुआ है हसन भाई के साथ 36 लेवल। चांस ओपोनेंट की आई है तो यार देख सकते हो बहुत ही अच्छे खासी विनिंग्स है और मिस यहाँ पे करते हैं तो मिस कर दिए भाई साहब ने और हम लोग इजीली विन कर चुके हैं इस मैच को भी, रैंकिंग 1 पे आ चुके हैं हम लोग। तो गाइस देख सकते हैं 30,000 के कॉइन्स थे मेरे पास मात्र और अभी 1,05,000 के कॉइन्स है। फिर से मैंने मैच कनेक्ट किया और उसके बाद लग चुका है अफ्ताब केवर भाई के साथ। तो यार आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू ओपोनेंट को ब्रेक मिलता जा रहा है और हमको एक भी ब्रेक नहीं मिला, बस एक ब्रेक मिला था सिर्फ कोलकाता टेबल में, तो यहाँ पे भाई ने मिस कर दिया था। सो मिस कर दिया था, यहाँ पे हम लोग को फिनिशिंग करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। सो यहाँ से इसको खेलेंगे और थोड़ी बहुत फ्रेम में जो फंसी हुई पक है उसको निकालने का ट्राई करेंगे। सो इजीली वो निकल चुका है। तो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरह से इस पक को खेलेंगे ताकि नीचे वाली पक जो है वो रिलीज हो। ये दो पक जो है थोड़ी बहुत हमें जो मतलब फंसा हुआ लगा तो मैंने इसको रिलीज करने का कोशिश किया। तो आप लोग देखो मैं किस तरह से इसको रिलीज करूँगा, अभी रिलीज तो नहीं होता है बट आप लोग देखना किस तरह से पॉकेट करूँगा। सो गाइस यहाँ से मैं कुछ इस तरह से खेला और इजीली हमारा शॉट जो है लग चुका है और यहाँ से इस पक को खेल के ओपोनेंट के पक में जो थोड़ा बहुत फंसा हुआ है हम लोग का पक है उस पक को निकाले। और इस पक के जरिए अगले वाले जो पक है उसको थोड़ा सा धकेलेंगे और इजीली दोनों बहुत ही ईजी हो चुका है, दोनों को इजीली पॉकेट कर लेंगे। यहाँ से इस पक को पॉकेट कर लेंगे और इजीली गाइज हम लोग विन कर चुके हैं। सो गाइज 1.5 लाख के कॉइन्स हो चुके हैं हमारे पास और मैंने लगातार कंटिन्यू 5 बार विन किया है। 30,000 से पहले और भी मेरे पास बहुत ही कम कॉइन्स थे तो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। उस टाइम मेरे पास लगभग 15,000 के कॉइन्स थे तो मैंने कंटिन्यू विन किया। तो यहाँ पे भी देखो गाइस किस तरह से हमारा ये शॉट लगता है, ये मैच तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप लोग देखो ये शॉट,
तो गाइज़ कैसा लगा ये शॉर्ट कमेंट में बताओ। और गाइज़ यहाँ पे हम लोग कहीं भी मिस कर देते हैं थोड़ा सा के लिए, कुछ इस तरह से शॉर्ट खेलते हैं और हमसे मिस हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से शॉर्ट खेलने का ट्राई करते हैं बट हम लोगों से बहुत ज़्यादा मिस हो जाता है। सो आई होप गाइज आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइज इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो, जो भी मैसेज करना है कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।